और जगुआर अंडर बॉयज जो सेकेंड राउंड का ये अंतिम मैच के लिए दोनों टीम प्रबल हकदार है। काफी अच्छे खिलाड़ी से सजी हुई ये टीम और अपने टीम को इन वक्त में एक उपयोगी पारी के लिए भी इस विवरण को दोहराने का क्षमता रखते हैं। सुरमा से भरी हुई ये टीम और कहीं न कहीं जगुआर अंडर बॉयज के खिलाड़ी सर्वप्रथम मैदान की ओर कूच कर गए हैं और उस दल से मेरी खास जो रिक्वेस्ट है जगुआर एंड आईएफसी से ताल्लुक रख रहे हैं। साइरिस पेरुआ के रूप में जो इनका जर्सी नंबर के रूप में 31 और जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं ये कई क्लबों से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, लीग खेलने वाले खिलाड़ी हैं और ऐसे ही सब पार्टिसिपेंट किए हुए हैं ये तमाम खिलाड़ी क्योंकि ऑलरेडी 90 मिनट मैच खेलने का ये छोटा समय के रूप में इस मैच का जो आपको देखा जो इन दोनों के बीच जो परिस्थिति अनुकूल और समय के साथ जो संतुलन बना करके धारेवंद जो मैच रेफरी के तौर में जिन्हें जाना जाता है जब से दूर से अमृत उनके द्वारा सफल संचालन का उम्मीद यहां पे होती हुई नजर आ रही है। पहले हाफ का खेल को यहां पे क्रिएट कर दिया गया और पहले हाफ के इस खेल में मैं बता दूं सरकारी की हैसियत से जगुआर अंडर बॉयज की टीम सबसे पहले खेल रही है। अपनी खेलने की जो रणनीति है उसे प्रस्फुटित कर रही है मैदान के उत्तरी छोर में जगह को बनाकर। तो दूसरी ओर टू एंड आई एफ सी जो थोड़ी सी विलंब ले से जरूर आई जिसके एवज में उसकी जगह बनी है मैदान के उत्तरी दिशा में और यहां पे पहले ही मरतबा आक्रमण की इस कड़ी को दोहरा दिया गया था। तोड़ने की जरूर कोशिशें यहां पे की जा रही है झलक आएगी और नाम भी होगी और हुकअप भी यहाँ पे बचेगी और इसे परिवर्तित करने की जो कस्बे वाले दोनों की टीम के खिलाड़ी खा के आए हैं और अपने अपने कोच अपने अपने मैनेजरों को सहानुभूति समानुभूति और खुशी का जो ये आलम है उसे प्रकट करते हुए इस विचार को देने वाले हैं। तो पहला ये आवाज आई पहला ये पैगाम जो हमारे मैच रेफरी मिडिल जोन के अमृत प्रधान की किस टीम के खेमे के लिए उठेगी ये देखने वाली बात होगी। क्रॉस शॉट जरूर आई थी कोई पोस्ट में टू एंड आई एफ सी टीम के खिलाड़ी के द्वारा बाएं छोर से लेकिन अपनी टीम के खिलाड़ी के लिए जो खुशी का हम शब्द को यहाँ पे साथ जोड़े मद्रेखा के आपने सामने ये गेंद अपने कब्जे में लेने का भरसक प्रयास लेकिन एक पास को यहाँ पे उचित समझा गया। यहाँ पे मेन डिफेंडर तो जब तक गेंद को आगे बढ़ाते तब तक मेन फील्डर के रूप में विद्वान हमारे आज जगुआर एंड बॉयज से वो सफल रहे जमीनी पास के तहत लंबे कद के खिलाड़ी दो एंड ढाई से दिशा के तक लाइन में स्थित वो खिलाड़ी
चोट नहीं, इस वक्त ये गेम एक बार जगुआर के कब्जे से छीना गया और दो इंताई गेंद को सरकाएंगे जरूर। पीछे देखते हुए देखिए मेरे बगल में मेरे जो बुलेट टीम के खिलाड़ी हैं वो मुझ पर देख तो नहीं करेंगे, कुछ इस तरह की यहाँ पे सदबुद्धि इनकी काम आई। एक बार गेंद जमीनी जमीन को छू करके इर्द गिर्द इस मध्य रेखा के और साथ थोड़ा सा समय लेकर के खिलाना चाहेंगे जो नंबर 6 2 3 2 से पहला